हेलो एवरीवन, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। सभी प्यारे साथियों का हार्दिक स्वागत है इस क्लास में। देखो साथियों, पीटीटी के एग्जाम को मात्र अब जो है आपके 19 से 20 दिन बचे हैं, तो बिल्कुल कैसे तैयारी करनी है उसको लेकर जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हम इस क्लास में लेके आए हैं। तो बिल्कुल क्लास को बिना किसी स्किप के एंड तक देख लेना और साथ में अपने दोस्तों तक शेयर कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा देश है, भारत सबसे बड़ा देश है, यानी कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का संसार में कौन सा स्थान है, दूसरा है, चौथा है, छठा है या सातवां है। तो फटाफट से जो है कमेंट करें, ऑप्शन नंबर ए बी सी डी में से क्या होगा, जल्दी से जो है आप कमेंट करें। तो बिल्कुल चलिए मैं बता देता हूँ, इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा आपका सातवां। आपको पता है क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है भारत सातवें नंबर पर है पूरे संसार में। तो बिल्कुल चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जो है अपन बढ़ते हैं और कमेंट करो भाई, जनसंख्या की दृष्टि से कौन से स्थान पे है वो आप कमेंट कर देना, ठीक है। नाथूला एक स्थान है जहाँ 44 वर्षों के बाद भारत चीन सीमा व्यापार फिर शुरू किया गया है, वह भारतीय सीमा पर स्थित है। ऑप्शन नंबर ए सिक्किम में, बी अरुणाचल प्रदेश में, ऑप्शन नंबर सी हिमाचल प्रदेश में, ऑप्शन नंबर डी जम्मू कश्मीर में। तो फटाफट से जो है कमेंट करें कि भाई ऑप्शन नंबर ए बी सी डी में से क्या होगा, ठीक है, नाथूला जो स्थान है वो कहां पर है, ठीक है बिल्कुल। तो चलिए वो मैं बता देता हूं, वो है ऑप्शन नंबर ए सिक्किम में। कहां पर है? सिक्किम में, बिल्कुल भाई बिल्कुल। तो चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जो है अपन बढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे अधिक आद्र स्थान है, आद्र यानी होता है, आपको पता है क्या होता है, ठीक है बिल्कुल। तो महाबलेश्वर, चेरापूंजी, उदक मंडलम या फिर माउसी सिनराम, फटाफट से जो है कमेंट करें माउस सिनराम जो है क्या है, बिल्कुल जल्दी से जो है कमेंट करें कि जो सबसे अधिक आद्र जो कौन सा स्थान है जो कि है भारत में। तो बिल्कुल चलिए मैं बता देता हूँ, वो है आपका माउस सिनराम। क्या है? माउस सिनराम, बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बिल्कुल। तो चलिए अपन ने जो है नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जो है अपन बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जो है अपन बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जो है अपन बढ़ते हैं, बिल्कुल चलिए। दशमुख में कौन सा समास है? ऑप्शन नंबर ए है कर्मधारी, ऑप्शन नंबर बी है बहुगिरी, ऑप्शन नंबर सी है तत्पुरुष, ऑप्शन नंबर डी है द्विगु समास। तो फटाफट से कमेंट करिए ऑप्शन नंबर ए बी सी डी में से क्या होगा, बिल्कुल जल्दी से जो है कमेंट करें। दशमुख यानी दस मुँह है जिसके, तो इसमें कौन सा समास होगा? तो आई थिंक गलत नहीं करेंगे कोई भी, तो बिल्कुल चलिए मैं बता देता हूँ, इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा बहुगिरी, ना कि द्विगु समास, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जो है अपन बढ़ते हैं। निम्न में से पंचकुला क्या थी? पंचकुला क्या थी? शासक की उपाधि, एक संस्था या इनमें से कोई नहीं, या एक सैनिक टुकड़ी? फटाफट से जो है कमेंट करें ऑप्शन नंबर ए बी सी डी में से क्या होगा, बिल्कुल जल्दी से जो है कमेंट करें कि पंचकुला क्या थी। तो बिल्कुल चलिए अपन जो है बता देते हैं, यदि आपको इसका आंसर पता था तो आप कमेंट कर सकते हो। तो बिल्कुल चलिए मैं बता देता हूं, इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। क्या बात है भाई, राकेश मीना का जो है राइट आंसर आ चुका है ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल भाई राकेश मीना अच्छा कर रहा है, कल भी जो है काफ़ी सारे क्वेश्चन इन्होंने बताए थे, बिल्कुल। तो चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जो है अपन बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जो है अपन बढ़ते हैं, बिल्कुल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कीर्ति स्तंभ की निर्माण, कीर्ति स्तंभ की निर्माण योजना का सूत्रधार कौन था? कीर्ति स्तंभ की निर्माण योजना का सूत्रधार कौन था? महेश, जेता, अन्नी, नापा। फटाफट से कमेंट करें ऑप्शन नंबर जो है ए बी सी डी में से क्या होगा, बिल्कुल जल्दी जल्दी से जो है कमेंट करें ऑप्शन नंबर जो है ए बी सी डी में से क्या होगा, बिल्कुल जल्दी जल्दी से जो है कमेंट करें। कीर्ति स्तंभ की निर्माण योजना का सूत्रधार कौन था? तो बिल्कुल चलिए मैं बता देता हूं, जो है आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इस बार राकेश मीना का जो है गलत हो गया था, इन्होंने सी बोला था, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। तो बिल्कुल चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जो है अपन बढ़ते हैं। आपकी देखो एग्जाम बहुत नज़दीक आती जा रही है, तो बिल्कुल भाई ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश ये करें कि क्विज वाले क्वेश्चन ही सॉल्व करें, ठीक है। अब जो है फुल कॉन्टेंट पढ़ने का टाइम नहीं है आपके पास। निम्न में से राजसमंद झील का निर्माता शासक कौन था? जगत सिंह, अभय सिंह, राज सिंह या राणा सांगा? जो राजसमंद की झील थी वो किसके द्वारा बनाई गई थी, बिल्कुल जल्दी से जो है कमेंट करें ऑप्शन नंबर ए बी सी डी में से जो है कमेंट करें, बिल्कुल भाई बिल्कुल। चलिए तो अपन जो है बता देते हैं, तो बिल्कुल क्या बात है, ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राज सिंह आपका जो है राइट आंसर है, बिल्कुल भाई बिल्कुल। तो चलिए अपन जो है नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जो है अपन बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जो है अपन बढ़ते हैं, बिल्कुल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखो ये सेक्शन अभिरुचि से आ गया, मतलब दिमाग का खेल है बस और कुछ नहीं है, ठीक है। छात्र जो लिखित कार्य करते हैं उसे शिक्षक को कब जांचना चाहिए, यानी जो होमवर्क करते हैं उसे शिक्षक को कब जांचना चाहिए? जब शिक्षक को खाली समय मिले, अगले सप्ताह के दौरान, सप्ताह के अंत के रविवार में, या लिखित कार्य पूरा होने के तुरंत बाद? तो फटाफट से जो है कमेंट करें ऑप्शन नंबर ए बी सी डी में से क्या होगा, बिल्कुल जल्दी जल्दी से जो है कमेंट करें ऑप्शन नंबर ए बी सी डी में से क्या होगा, बिल्कुल भाई जल्दी जल्दी से जो है कमेंट करें। तो बिल्कुल राकेश का आ चुका है, तो बिल्कुल जो है देखो लिखित कार्य पूरा होने के बाद जाँच करना चाहिए, क्योंकि देखो शिक्षक खाली बैठा है तो उस समय ज़रूरी नहीं है कि
अपना होमवर्क हो गया हो, ठीक है, जब अपना होमवर्क हो गया होगा, जैसे समय अवधि देते हैं भाई, तो तब उनको जो है जांच करना चाहिए, बिल्कुल। हाँ चलिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा सेवन सिस्टर का सदस्य नहीं है? सेवन सिस्टर पता है ना आपको, इधर साइड अरुणाचल प्रदेश साइड में रहते हैं वो सेवन सिस्टर, तो इनमें से कौन सा सदस्य नहीं है? पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, उड़ीसा और बिहार। फटाफट से जो है कमेंट करें, और सेवन सिस्टर की जो है ट्रिक भी मैंने बताई थी, बिल्कुल जल्दी से जो है कमेंट करें सेवन सिस्टर की जो है, बिल्कुल कौन सा जो है सदस्य नहीं है। तो बिल्कुल भाई बिल्कुल, चलिए अपन जो है राइट आंसर बता देते हैं। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, बिल्कुल चलिए फटाफट से जो है कमेंट करें। तो बिल्कुल गाइज, आपका जो है राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जो कि राकेश मीना का बिल्कुल जो है राइट आंसर है, ठीक है बिल्कुल। तो चलिए अपन जो है नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जो है अपन बढ़ते हैं। ओके हाँ बिल्कुल चलिए, तो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? फटाफट से जो है कमेंट करें, पहली भारतीय महिला कौन थी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली? बछेंद्री पाल, फ्यू डॉर्जी, ऑन सॉन्ग सुकी, योको ओनो। फटाफट से जो है कमेंट करें, पहली भारतीय महिला कौन थी, बिल्कुल जल्दी से जो है कमेंट करें। ऑप्शन नंबर ए बी सी डी में से क्या होगा, बिल्कुल। तो चलिए अपन जो है बता देते हैं, बिल्कुल राकेश का भी आ चुका है आपका। देखो सीधी सट बात है, ये जो तीन नाम है ये अपने भारत के है ही नहीं है। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट आंसर है, क्या है? बछेंद्री पाल, ठीक है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जो है अपन बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन छात्रों में लोकतांत्रिक मूल्यों की स्थापना करता है? ऑप्शन नंबर ए है पुस्तक है, ऑप्शन नंबर बी है प्रार्थना सभा, ऑप्शन नंबर सी है वार्षिकोत्सव, ऑप्शन नंबर डी है खेल का मैदान। तो फटाफट से जो है कमेंट करें, कौन छात्रों में लोकतांत्रिक मूल्यों की जो है करता है, ठीक है, क्या करता है स्थापना? तो बिल्कुल चलिए फटाफट से जो है कमेंट करें। तो बिल्कुल चलिए अपन जो है बता देते हैं ऑप्शन नंबर डी। देखो लोकतांत्रिक जो व्यवस्था या करता है वो है खेल का मैदान, ठीक है, क्योंकि खेल में जब तक बच्चे खेल नहीं खेलेंगे तब तक उनको जो है शारीरिक विकास नहीं हो पाएगा, साथ में जो है इनका जो भावनात्मक विकास है वो भी नहीं हो पाएगा। तो बिल्कुल चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जो है अपन बढ़ते हैं। वैसे इसमें जो है यदि ऑल ऑफ देम आ जाएगा तो वो भी जो है राइट आंसर हो जाएगा। तो बिल्कुल चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जो है अपन बढ़ते हैं। मेवाड़ का अंतिम रावल कौन था? मेवाड़ का अंतिम रावल कौन था? बप्पा, रतन सिंह, गुहिल, हमवीर। फटाफट से कमेंट करें, ऑप्शन नंबर ए बी सी डी में से क्या होगा, बिल्कुल जल्दी जल्दी से जो है कमेंट करें। अंतिम 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 मेवाड़ का अंतिम अंतिम रावल कौन सा था? तो बिल्कुल चलिए अपन जो है बता देते हैं इसमें जो है राइट आंसर क्या होगा। तो बिल्कुल अंतिम जो है आपको पता है कौन था, रतन सिंह, रावल रतन सिंह, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना, बिल्कुल भाई बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जो है अपन बढ़ते हैं। जोधा बाई का वास्तविक नाम क्या था? क्या बात है भाई, जोधा बाई का जो है वास्तविक नाम क्या था? मान बाई, हरका बाई, जगत गुसाई, इनमें से कोई नहीं। फटाफट से जो है कमेंट करें, ऑप्शन नंबर जो है ए बी सी डी में से क्या होगा, बिल्कुल जल्दी जल्दी से जो है कमेंट करें, जोधा बाई का जो है वास्तविक नाम क्या था? तो बिल्कुल चलिए मैं बता देता हूँ, ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट आंसर है, क्या है? हरका बाई, क्या है? जगत गुसाई, ठीक है, सॉरी क्या हो रहा है यार, सॉरी 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 सो सॉरी, ठीक है, थोड़ा सा टंग स्लिप हो गई थी। तो बिल्कुल हर का भाई, ऑप्शन नंबर बी ही बोला था मैंने पहले, ठीक है। तो बिल्कुल चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जो है अपन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जो है अपन बढ़ते हैं। निम्न में से जोधपुर के शासक अजीत सिंह की धाय का क्या नाम था? पन्ना धाय, महमा, अनगा, गोरा धाय, या इनमें से कोई नहीं। फटाफट से जो है कमेंट करें, ऑप्शन नंबर जो है ए बी सी डी में से क्या होगा, बिल्कुल जल्दी जल्दी से जो है कमेंट करें, ऑप्शन नंबर जो है ए बी सी डी में से क्या होगा, बिल्कुल। तो चलिए मैं बता देता हूँ इसका जो है राइट आंसर क्या होगा। तो बिल्कुल गोरा धाय, ठीक है, गोरा धाय होगी, किसकी थी ये? थी अजीत सिंह की, ठीक है बिल्कुल। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जो है अपन बढ़ते हैं। चलिए ठीक है, बागीश्वरी के नाम से कौन जानी जाती है? मांगी बाई, कृष्ण कुमारी, रमा बाई, मीरा बाई। फटाफट से कमेंट करें, ऑप्शन नंबर जो है ए बी सी डी में से क्या होगा, बिल्कुल जल्दी जल्दी से जो है कमेंट करें, ऑप्शन नंबर जो है ए बी सी डी में से क्या होगा। बागीश्वरी के नाम से मांगी बाई, कृष्णा कुमारी, रमा बाई, मीरा बाई। तो बिल्कुल चलिए मैं बता देता हूँ इसका जो है राइट आंसर क्या होगा, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी रमा बाई, क्या हो जाएगा? रमा बाई, बिल्कुल। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जो है अपन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जो है अपन बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा शासक कवि, टीकाकार, नाटककार व संगीताचार्य था? सवाई जय सिंह, महाराणा कुंभार, राय सिंह और महाराणा प्रताप सिंह। फटाफट से कमेंट करें, ऑप्शन नंबर जो है ए बी सी डी में से क्या होगा, बिल्कुल जल्दी जल्दी से जो है कमेंट करें। तो बिल्कुल चलिए मैं बता देता हूँ, वो है आपका महाराणा, सॉरी सॉरी हाँ, कौन सा शासक कवि था और टीकाकार था, नाटककार था और संगीताचार्य था? बिल्कुल महाराणा कुंभार ही होगा इसमें, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल। ये ऑल ऑफ देम थे, मतलब सब कुछ कर सकते थे, ठीक है। तो बिल्कुल चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नीचे दिए गए विकल्पों में
तत्सम शब्द का चयन कीजिए। पड़ोसी, गोधूम, बहु, शहीद। फटाफट से कमेंट करो कौन सा है तत्सम शब्द। तो बिल्कुल वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्या हो जाएगा आपका, बी गोधूम। तो बिल्कुल चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जो है अपन बढ़ते हैं। एक गोधूल ही हो जाता है। नीचे दिए गए विकल्पों में तद्भव शब्द का चयन कीजिए। बैंक, मुंह, मर्म, प्रलाप। फटाफट से कमेंट करें ऑप्शन नंबर ए बी सी डी में से क्या होगा। बिल्कुल बिल्कुल भाई जल्दी जल्दी से जो है कमेंट करें। तो बिल्कुल जो है, और ये तो हो जाएगा तत्समक शब्द, और ये जो तद्भव शब्द है वो हो जाएगा मुंह। क्या हो जाएगा, मुंह। बिल्कुल भाई बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जो है अपन बढ़ते हैं। लेकिन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन से बढ़ने से पहले ये क्लास काफ़ी लंबी हो चुकी है, तो बिल्कुल इस क्लास को यहीं पे अपन एंड करते हैं। बाकी के जो क्वेश्चन है आपको अगली क्लास में देखने को मिल जाएंगे। और आपकी जो लाइव क्लास है 1 से 2, और शाम को जो है 8 से 9 रेगुलर चल ही रही है, तो लाइव क्लास लेना ना भूले बिल्कुल, क्योंकि भी एग्जाम है। और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर कर दें। यदि कोई क्वेश्चन में गलती हो गई है तो उनको बिल्कुल जो है आप कमेंट कर दें, हम सुधार करने की पूरी कोशिश करेंगे। हम मिलते हैं किसी को न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।